एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, तब दुर्गा पूजा पर रोक लगाई जा रही थी, सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही थी, दीदी सब जानते हैं कि अब आपको गोत्र क्यों याद आ रहा है। पश्चिम बंगाल में प्रचार कर लौटे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ममता बनर्जी अब अपना गोत्र बता रही हैं। पहले दुर्गा पूजा पर रोक लगाई जा रही थी, सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही थी, दीदी सब जानते हैं कि अब आपको गोत्र क्यों याद आ रहा है। मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी निशाने पर लिया और कहा, कमलनाथ जी ने पद मुंह में पूरी कांग्रेस को ही दांव पर लगा दिया। उनके अपने फंडे हैं, अपने एजेंडे हैं। कांग्रेस के दोनों बुजुर्ग नेता कांग्रेस को रसातल में ले जाकर ही छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस अपने घर को देखे, सिंधिया जी 10वें नंबर के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन कांग्रेस का तो एक भी नेता 5 प्रदेशों के चुनाव में है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें चुनाव पर गोत्र याद आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। 10 साल में याद नहीं आया गोत्र, जब घुसपैठिए आ रहे थे, जब आतंकवादी आ रहे थे, तब गोत्र की चिंता नहीं, तब तो दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लग गया, तब तो सड़क पर नमाज हो गई थी। अब क्यों? वो दीदी लोग सब जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं कि अब क्यों गोत्र याद आ रहा है। उनका जो पदमोह है ना, उस पदमोह में पूरी कांग्रेस को ही दांव पे लगा दिया। वरिष्ठ नेता सीन से गायब हैं। माननीय मुकेश नायक जी के भाई कांग्रेस छोड़ गए। पढ़ा मैंने ये भी कि वो स्वयं भी संन्यास की इच्छा ले रहे। अब इतने योग्य और वरिष्ठ लोग जिस जिले से विधायक रहे हों और वो ऐसा सोचते हों, पर कमलनाथ जी ऐसा नहीं सोचेंगे। उनके लिए गॉड से भक्त की प्राथमिकता है, मुकेश नायक प्राथमिकता पे नहीं। उनके अपने फंडे हैं, अपने एजेंडे हैं, और मैं समझता हूं कि ये दो बुजुर्ग जो है ना, कांग्रेस को रास्ता में ही ले जाके छोड़े। देखो, कांग्रेस अपने घर को देख ले, जहां सबसे प्रबल दावेदार गोविंद सिंह जैसे नाम ही नहीं है उसमें। अब वो तो अच्छा है, उनने उसकी कहीं मेरा नंबर बोले, मेरा 14वें पे, मेरा खुद का 15वें पे या 16वें पे, नंबर तो क्रम से ही आएगा। तो ऐसे नाम नहीं लिया उनने, वो ही काफी है कि हमारा नरोत्तम का 16वां नंबर है, 14वां। अरे भाई, हम पश्चिम बंगाल का काम देख रहे हैं। मानी सिंधिया जी राष्ट्रीय नेता है, पश्चिम बंगाल में उनको स्टार प्रचारक बनाया, ये कांग्रेस को नहीं दिखा होगा। ये नहीं दिखा कांग्रेस को कि मध्य प्रदेश का एक भी नेता इन 5 राज्यों में स्टार प्रचारक की सूची में नहीं है। कमलनाथ क्यों नहीं है, दिग्विजय क्यों नहीं है, बाकी लोग क्यों नहीं है, लेकिन सिंधिया जी दिख रहे हैं उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि सिंधिया जी उन्हें सोते में भी दिखते हैं, ख्वाब में भी सिंधिया जी दिखते हैं, और क्यों दिखते हैं ये भी कांग्रेस ही जानते हैं। मिश्रा ने कहा, गृह विभाग अंतर्गत पुलिस विभाग में निरंतर सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। कांस्टेबल से TI तक उच्च पद भार देने के कार्यवाही हो चुकी है। अब TI को SDOP का पदभार दिए जाने संबंधी फाइल पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है, अनुमति मिलते ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। पुलिस विभाग लगातार विभाग के अंदर गृह विभाग सुधारात्मक प्रयास कर रहा है। हमने आरक्षक को प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक को ASI, ASI को SI, SI को TI, और हमने आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं TI को SDOP के चार्ज देने के। चूंकि हमारे यहाँ उपचुनाव है, इसलिए हमने वो चुनाव आयोग से अनुमति के लिए भेज रहे हैं। जैसे ही अनुमति आ जाती है, हम तत्काल SDOP के प्रभार वाले आदेश जारी कर देंगे, अन्यथा 2 मई को वो के बाद वो आदेश जारी होगा। पर मैं समझता हूं कि चूंकि प्रदेश वाला मामला है, एक जिले का नहीं, तो ये आदेश हमें मिल जाना चाहिए। FIR आपके द्वार आते ही चालू कर दिया,
सुधार की प्रक्रिया तो उसी समय प्रारंभ कर दी थी। और ये सब जो बातें आपने कही है हाईटेक वाली, हमारी पुलिस हाईटेक हो चुकी है, कुछ बाकी है हिस्सा, वो लगभग पूर्णता की ओर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।